हेलो एवरीवन, दिस इज मान मोहन तिवारी एंड गो चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज है संडे और संडे के दिन कुछ कमेंट आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, वैसे कमेंट जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें, वैसे कमेंट जो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं। देखो, मैं आपके लिए हर संडे वैसे कमेंट लेके आता हूँ जिस कमेंट से आप बहुत छोटे मोटे जो क्वेरी हैं वो कवर हो जाए। चलिए एक क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिज़ाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट कमेंट यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट कमेंट यहाँ पे किशन जी के साइड से है। सर, मैं कोटक महिंद्रा बैंक मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन उस ऐप में कोई ओटीपी नहीं आता है और इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन हो जाता है, तो क्या कोटक महिंद्रा बैंक मोबाइल ऐप फ्रॉड है? सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या आपका प्रोफाइल अपडेट है कि नहीं, क्या मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं, करेक्ट मोबाइल नंबर है कि नहीं। अगर मोबाइल नंबर अपडेट है, करेक्ट है, तो आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके ये क्वेरी ज़रूर जनरेट करें कि आपका यहाँ पे ओटीपी क्यों नहीं आता। देखो, जब भी म्यूचुअल फंड आप रिडीम करोगे, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किए हो, कोई ऐप का सहारा लिए हो, तो एग्जैक्टली आपको अब ओटीपी आए। जब तक आप ओटीपी फील नहीं करोगे, एग्जैक्टली आपका म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं होगा। ऐसे में अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हो, अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आपको कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि क्या ये कोटक जो ऐप है वो फ्रॉड है, मैं आपको बता दूं, नहीं, फ्रॉड नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ तकनीकी कारण के चलते आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज का क्लेरिफिकेशन आपको कस्टमर सपोर्ट से लेना चाहिए, वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो सुभजीत जी के साइड से है। LIC फ्लेक्सी केप, टॉरस फ्लेक्सी केप, IDFC फ्लेक्सी केप, L&T फ्लेक्सी केप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी केप, आउट ऑफ दीज फंड। देखिए, आपने यहाँ पे 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐड किए हैं। अगर मैं बताऊँ कि इनमें से बेहतर कौन है, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि कोई और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। मैं LIC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ, तो ये म्यूचुअल फंड ना ही अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। देखो, वैसे म्यूचुअल फंड का आपको सिलेक्शन करना चाहिए जो लगातार अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा। हो सकता है किसी साल में कमजोर दिखे, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन में कम से कम स्ट्रांग दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं कि वैसे म्यूचुअल फंड को आपको फोकस करना है जिसमें अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा ना हो। देखो, LIC फ्लेक्सी कैप में अप्स एंड डाउन्स भी है और कमजोर दिख रहा है अपने बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से। दूसरा, टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, तो ये म्यूचुअल फंड भी कमजोर दिख रहा है। इस म्यूचुअल फंड पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं IDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, तो थोड़ा सा ये बेहतर दिख रहा है, लेकिन कुल मिला के ना ही IDFC फ्लेक्सी कैप, L&T फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, इस 5 फ्लेक्सी कैप में से कोई भी फंड में एडवाइज नहीं करूंगा। जैसे कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो, यहाँ पे PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप को फोकस कर सकते हो, यहाँ पे कैनरा ऐप को फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। इन सारे म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। लेकिन हाँ, आप कोई भी म्यूचुअल फंड ऐड करने से पहले आप ओवरलैप जरूर चेक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है राहुल जी के साइड से। हाईएस्ट रिटर्न देने वाले AMC जिस स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम सीधा उसी स्टॉक्स में पैसा लगा दें, तो क्या हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा बेटर देन अ म्यूचुअल फंड? देखिए, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये जानना चाहते हैं। आप जिस म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर रहे हो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है, आपने देखा कि पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स में आपने पैसा लगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, उसका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है? जी हाँ, फंड मैनेजर टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जब मार्केट महंगा हो जाता है, तो वैसे स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुक करता है, और जब मार्केट
सस्ता होता है तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। तो ऐसे में फंड मैनेजर सही टाइम का सिलेक्शन करके और स्टॉक्स को फोकस करता है। क्या आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो? क्या आप सही समय को ट्रैक कर सकते हो? देखो, आप जिस स्टॉक्स को फोकस करोगे कभी उसमें से निकलना भी होगा, लेकिन अगर आप सही समय पे नहीं निकलोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आप ये कर सकते हो कि कब वैसे स्टॉक से बाहर निकलना है और कब वैसे स्टॉक्स में एंटर करना है तो आप पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली स्टॉक्स में, क्योंकि फंड मैनेजर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होते हैं जिसके बेसिस पे फंड मैनेजर किसी स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है और टाइम टू टाइम वैसे स्टॉक्स में अपने एलोकेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जो कि आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हो और जिससे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वैसे में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप ट्रैक कर सकते हो, अगर आप स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हो, सही समय पे स्टॉक से बाहर निकल सकते हो, तो ही आप स्टॉक सेलेक्ट करके ऐसे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, अदरवाइज म्यूचुअल फंड के सहारे जाएं। चलिए बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो अरविंद पाल जी के साइड से। महोदय, मैंने एनजी वेल्थ में निवेश किया, मेरा नॉमिनी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्या मुझे भविष्य में पैसे निकालने में कोई कठिनाई होगी? नहीं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप नॉमिनी क्यों ऐड करते हो? आप नॉमिनी इसलिए ऐड करते हो कि अगर मैं ना रहूं तो इसका बेनिफिट मेरे नॉमिनी को मिले। इट मींस कि जिसका नाम आप वहां पे डालते हो उस पर्सन को उस पैसे का बेनिफिट मिले। देखो, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए होंगे और उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको किसको मिलना चाहिए? आपके फैमिली को मिलना चाहिए। तो अगर आप नहीं रहोगे तो उस समय हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप उसमें नॉमिनी का नाम ऐड कर देते हो तो इजीली उनको पैसा मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप म्यूचुअल फंड या कोई भी अदर प्रोडक्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, आप एफडी की बात करो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात कर लो, नॉमिनी जरूर ऐड करो। किसी के लाइफ का कोई गारंटी नहीं है और कुछ भी होगा तो एग्जैक्टली आपके नॉमिनी को इजीली पैसा मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने नॉमिनी को ज़रूर ऐड करें। अगर आप पैसा निकालोगे तो एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप नहीं रहोगे तब आपके नॉमिनी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और उसके लिए नाम ऐड होना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेरी है वो पुष्पा जी के साइड से है। क्वांट एक्टिव फंड कैसा होगा? क्वांट एक्टिव फंड की बात करूँ तो ये एक मल्टी कैप फंड है। जी हाँ, मल्टी कैप फंड में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कुल मिला के अगर इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग टाइम में, जैसे कि अगर मैं एक साल की बात करूं, तो 7.1% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 3.4% का रिटर्न है। तीन साल में ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिखा है, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 15 से 16% का है। पाँच साल में 20 से 21% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 11 से 12% का रिटर्न है। कुल मिला के कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और मैंने ये भी देखा है बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट कर रहा है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसे म्यूचुअल फंड में जब मार्केट अच्छा होगा तो रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि क्वांट के म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। लेकिन जब गिरावट होगा तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरेगा। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो एग्जैक्टली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर हो सकता है। जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन में देखो, आप एक महीने का डाटा देखो, 2.31% का गिरावट है इस म्यूचुअल फंड में, जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.35% का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। वहीं पे अगर तीन महीने की बात करें, 13 से 14% का गिरावट है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 8% का गिरावट है। तो अगर गिरावट होगा तो इसमें नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जब अगर मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, इतनी मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है, तो इसमें रिटर्न भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप रिस्क ले सकते हो, गिरावट में आप ज़्यादा नुकसान को फेस कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेहतर फंड होगा। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और वाकई में अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये था क्वेरी सेशन। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।